हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बनिया किचन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बनाने की रेसिपी। और जैसा कि हम सभी फ्लैक्स सीड्स के फ़ायदे के बारे में जानते हैं, कितना उपयोगी है हमारे शरीर के हर अंग के लिए, जैसा कि हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए, ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए, वेट को मेंटेन करने के लिए, और हमारे जोड़ों में दर्द हो कहीं उसके लिए बहुत फ़ायदे करता है ये। ओमेगा 3 से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है ये। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत ही उपयोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने इनको ड्राई रोस्ट करने के लिए डाल दिया है, और आँच को हमें मध्यम ही रखना है। बहुत तेज़ आँच पे हमें इनको नहीं भूनना, और लगातार चलाते हुए हमें इन्हें भून लेना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आपकी किचन में आने लग जाएगी। तो समझ लीजिए कि आपके फ्लैक्स सीड्स अच्छे से भुन चुके हैं। और एक बात फ्रेंड्स, इसको ओवर रोस्ट नहीं करना, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे और लड्डू का स्वाद ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मखाने, इनको भी मैंने ड्राई रोस्ट करना है, और उसी तरह से करना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए और पूरा मॉइस्चर ना इनका ख़त्म हो जाए मखानों का, तब तक हम इन्हें चलाते हुए रोस्ट कर। और इनको चेक करने के लिए एक मखाने को हम हाथ से तोड़कर देख सकते हैं। ये देखिए, ये आराम से उठ चुका है, तो इसका मतलब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिया है, मींस मैंने काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, इनको भी मैं ड्राई रोस्ट ही करूँगी, और इनका भी कलर चेंज होने तक और अच्छी खुशबू आने तक इन्हें हम भूनते रहेंगे। ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। और मैंने यहाँ थोड़ी सी किशमिश डाली है काट कर, 1.5 चम्मच के करीब। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, इनको भी मैं कलर चेंज होने तक भून लूँगी, और ये भी हमारे भून चुके हैं। अब फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच देसी घी के, और घी को अच्छे से बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। घी हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स में अपना एक ऑयल होता है, और हम वैसे भी शुगर फ्री और ऑयल फ्री, फैट फ्री बना रहे हैं। इसमें मैंने यहाँ बारीक वाला गोंद लिया है, और इसको अच्छे तरह से तल लेंगे, और जब ये तल जाएगा तो ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा अपने आप। ये भी इस तरह से तल के हमने निकाल लिया है कढ़ाई में से। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे सब रेडी हो चुके। ये देखिए, भुनने के बाद जो है फ्लैक्स सीड्स थोड़े हल्के हो जाते हैं, और ये मखाने में बिल्कुल तैयार हैं भुनकर। मखानों को हमने कोर्सली ग्राइंड करना है, बिल्कुल इनका पाउडर नहीं बनाना, थोड़े थोड़े से हम इसमें वो रखेंगे इनका क्रंच के लिए। ये देखिए, यहाँ पर कोर्सली मैंने ग्राइंड कर लिए हैं इनको। और हम फ्लैक्स सीड्स को भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमें पाउडर फॉर्म में बनाना है, आटे की जगह हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 से 2 चम्मच मैं इसमें ऐसे फ्लैक्स सीड डाल दूंगी, ताकि लड्डू में इनका अच्छा एक क्रंच आए। और ये देखिए, फ्लैक्स सीड्स का बिल्कुल पाउडर बनकर तैयार है। महीन बनाया है मैंने इसको, क्योंकि हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं आटे की जगह। और ये भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम एक साथ बहुत सारे लड्डू नहीं बनाएंगे, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स में एक ऑयल होता है अपना, और ज़्यादा दिन तक हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, उसमें एक स्मेल आने लग जाती है। तो 10 या 15 दिन से ज़्यादा के लड्डू मत बनाइएगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाएं। और क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है, तो इसका उपयोग करते हुए भी ध्यान रखें कि इसका उपयोग हमें उचित मात्रा में ही करना है। ज़्यादा इन लड्डुओं को ना खाएं, साइज़ में छोटे बनाएं और डेली एक ही लड्डू लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर अपना भुने हुए तिल, और जो हमने गोंद को तला था वो भी ऐड कर देंगे, और साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पर अपने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी।
और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। और जो यहाँ हमने तल कर गोंद डाला था उसे हम दबाकर हाथों की हेल्प से सब पूरा एक साथ कर देंगे इसको, दबा दबा कर इस तरह से, ताकि ये पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए गोंद हमारा। फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, पर मुझे ये गोंद अच्छा लगता है खाने में इसलिए मैंने डाला। अब यहाँ मैंने लिया है 1 कप के करीब ऑर्गेनिक गुड़, आप इसकी जगह गुड़ का शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अब मैं डालूंगी 1/2 कप के करीब पानी। ये देखिए 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया है यहाँ पर, और इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। और फ्रेंड्स बिल्कुल आंच को हमें मध्यम ही रखना, तेज नहीं करना, गुड़ जल सकता है नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा। मैंने इसमें से 1 टुकड़ा निकाल लिया है, मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा ये गुड़। और ये देखिए इस तरह से चलाते हुए हम इसको सिरप तैयार करेंगे एक, और इसे हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बहुत पकाना नहीं है इसको गुड़ को, हमें सिर्फ 1 तार की चाशनी पे आने पे गैस को हम बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर डाला है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें थोड़ा सा। चाशनी लगभग हमारी बनकर तैयार है, ये देखिए, बस गैस को अब यहाँ पर हम बंद कर देंगे और मिक्सचर में जगह बनाएंगे हमें सिरप को डालने के लिए। फ्रेंड्स बहुत सावधानी से ये गुड़ का सिरप डालिए, बहुत ज़्यादा गर्म है और कहीं भी इसकी एक भी ड्रॉप पड़ गई तो ये खतरनाक हो सकता है, और हाथ को बचाकर ही इसका मिक्स करें, बनाएं इसको, मिक्स करें इसको स्पैचुला की हेल्प से। अभी हाथ का इस्तेमाल ना करें आप इस टाइम। स्पैचुला की हेल्प से इसको चलाते रहें, मिक्स करते रहें, 2-4 मिनट के बाद ये नॉर्मल हो जाता है हाथ देने लायक, लेकिन फिर भी आप हाथों का यूज़ करने से पहले देख लें कि आप टच कर पा रहे हैं कि नहीं। अब मैं यहाँ इसको टच कर पा रही हूँ, अब हाथों से पूरा मिक्सचर गुड़ के सिरप में इसको अच्छे से मिला लूँगी, ताकि इसके हम अच्छे से लड्डू बना सकें आसानी से। और फ्रेंड्स ये काम आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि गुड़ है वो जमना शुरू हो जाएगा नहीं तो। बस छोटे छोटे लड्डू बनाइए, बहुत ज़्यादा बड़े हमें लड्डू नहीं बनाने हैं इसके, और दिन में 1 लड्डू से ज़्यादा इसका सेवन भी ना करें, और कोशिश करें कि इसको दूध के साथ ही रात को एक छोटा सा लड्डू आप ले लें और जल्दी जल्दी बना लें। अगर कोई हेल्प के लिए है आपके पास तो लड्डू बनाने में किसी की हेल्प ले सकते हैं, तो इसलिए मैं अपने दूसरे हाथ की ले रही हूँ, दोनों हाथों से बना रही हूँ फटाफट। इसको मिलाते रहें हाथ से ताकि गुड़ जमे नहीं, आपकी हाथों की गर्मी से वो बरकरार रहे। और फटाफट फटाफट इसको इस तरह से बना लें। और ये देखें लड्डू बनकर हमारे रेडी हैं, छोटे छोटे साइज के मैंने लड्डू बनाए हैं ये। और फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, और हेल्दी खाएं, फिट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।